हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रज्ञा। एंड आज की वीडियो के बारे में आपको पता तो होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रज्ञा। एंड आज की वीडियो के बारे में, यानी आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। सो आज की जो वीडियो है ना, ये स्पेशली किड्स एंड स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि ये DIYs करके अपनी स्टडीज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ क्यूट, कुछ सिंपल सी चीज़ें बताने वाली हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एंड किड्स को तो बहुत पसंद आने वाले हैं। एंड ऑल्सो अगर आपका किड है तो आप उसके लिए भी ये चीज़ें कर सकते हो और उसकी स्टडीज़ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, क्योंकि बच्चों को ना बहुत शौक होता है ऐसी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें करने का और उनके पास उनको रखने का। स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग सा करे, कुछ नया डेकोरेट करे, कुछ क्रिएटिव करे। सो ये वीडियो देखने के बाद ये आइडियाज़ तो आपके माइंड में आएंगे ही, साथ ही साथ कोई नई चीज़ जब हम देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में और भी बहुत सारे आइडियाज़ अपने आप आने लग जाते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो ये सारे जो DIYs है ना, ये सारे के सारे आप ज़रूर ट्राई करना, और कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और ऐसी इनफैक्ट इससे अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी मैं आगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए, और वीडियो को पूरी देख लेना। और आपका कोई भी सजेशन अगर है तो आप #AskPragya करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं 100% ट्राई करूंगी कि आपके सजेशन या आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाऊं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हैक नंबर 1 के लिए ना, हमें चाहिए क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी डायरी, और उसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लिटर पेपर। और ग्लिटर पेपर को आपको उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। देन आप कोई सा भी कलर लो, कोई सा भी ग्लिटर पेपर ले लो, बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव पेपर लेना ताकि आपका फ्लावर अच्छा लगे, और इस तरीके से फ्लावर कटिंग कर लेना। और एक कलर का फ्लावर बनाने से बेटर है ना कि आप यहाँ पे दो कलर्स का यूज़ करो, जिससे ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल, मेरे पास ग्रीन कलर का पेपर बचा हुआ था ना, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बट आप चाहो ना तो इसकी जगह पर कोई और अच्छा सा कलर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन कलर की तो लीफ होती है। तो इस कवर को ना पीछे की साइड में ग्लूगन लगा के इस तरीके से पेस्ट कर लेना है डायरी के ऊपर, और इसको जब तक सूख ना जाए तब तक आपको छेड़ना नहीं है। देन ऐसा बेल्ट जैसा छोटा सा पार्ट कटिंग करना है और उसको भी पेस्ट कर लेना है, और वहाँ पे जहाँ पे आपने पेस्ट किया है ना, उसी पार्ट के ऊपर आपको फ्लावर्स को पेस्ट करके उसके ऊपर स्टोन या मोती कुछ भी लगा लेना है। जब ये रेडी हो जाए ना, तो पीछे के साइड में आपको हल्का सा कट करके इसको लॉक करने वाला बना लेना है, और हो जाएगी आपकी डायरी लॉक। हर किसी के पास ना एक छोटी सी डायरी तो हमेशा होनी चाहिए, ताकि आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगे ना तो आप उसको झट से नोट कर सको और आप उसको इजीली पॉकेट में कैरी कर सको। हैक नंबर 2 में हम बनाएंगे क्यूट सा पेन स्टैंड। तो इसके लिए आप चाहो तो ऐसा प्रिंटेड पेपर ले सकते हो, बट फिलहाल मैंने ये येलो पेपर लिया है। और ये जो है ना, मेरे पास स्किपिंग रोप का बॉक्स पड़ा हुआ था, और उसको ही मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल था। आप भी ऐसे ही कुछ भी ले सकते हो, या कार्डबोर्ड से आप बॉक्स बना सकते हो, उसके ऊपर इस तरीके से आपको पेपर को पेस्ट कर लेना है। देन ये जो फ्लावर्स है ना, ये पिछले वाले हैक में आप देखोगे, मेरे न्यू ईयर हैक्स में मैंने बताया है कैसे बनेंगे। आप जो भी चाहो वैसे फ्लावर बना सकते हो, या आप रेडीमेड फ्लावर लेके भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बड़े से शुरू किया है, और छोटा फ्लावर, देन उसके बाद उससे छोटा फ्लावर, और ये बन गया हमारा क्यूट सा पेन स्टैंड। ऐसे ही थोड़ी ना अपने घर की चीजें वेस्ट होने देंगे। ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स को ना पढ़ाई के टाइम पे फोन को होल्ड करके रखना, या फोन को कहाँ पे प्लेस करें, इसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये वाला जो DIY है ना, आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप इजीली अपने फ़ोन को कहीं भी प्लेस करके इजीली आप पढ़ाई कर सकते हो। सो आपके क्यूट से फ़ोन के लिए क्यूट सा सोफ़ा स्टैंड बनाने के लिए आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर, एंड उसको फेविकोल के साथ इस तरीके से रोल करना है, और ऐसे ही रोल्स बनाते जाओ जितने ज़्यादा बना सको, और जहाँ पे रोल स्ट्रांग नहीं है ना, उस पार्ट को कटिंग करके हटा लो, और इस तरीके से आपको पार्ट्स को कटिंग करना है। ये पीछे के साइड जाएगा, देन ये वाला जो पार्ट है ना, चार रोल वाला, वो आगे आएगा। ये है हमारे हाथ, जहाँ पे हम जैसे सोफे पे हाथ रखते हैं ना, वो वाला पार्ट। देन आपको कार्डबोर्ड कटिंग करना है, कितना चौड़ा और कितना लंबा होना चाहिए वो तो आपने देख ही लिया। फिर न्यूज़पेपर को ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से रैप कर देना है, ताकि आप जब इस पर कलर करो ना,
तो वो कलर अच्छे से हो जाए, क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर कलर थोड़ा अच्छे से होता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ग्लूगन की हेल्प से इस तरीके से जैसे सोफ़ा होता है ना, वैसे इसको चिपका लेना है। जब ये सूख जाए, याद रखना, जब ये सूख जाए देन आपको उसके ऊपर कलर करना है। सो कलर आप कोई भी ले सकते हो, और यहाँ पे अपने सोफ़े को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना आप एक दो स्ट्रिप्स एक्स्ट्रा लगा सकते हो। जैसे कि आपने देखा है जहाँ पे जॉइंट्स हैं ना, वहाँ पे मैंने एक एक दो दो स्ट्रिप्स एक्स्ट्रा लगाई हुई है, ताकि मेरा सोफ़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और फ़ोन को गिरने ना दे। तो इसको कलर करने के बाद ही मैं यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के लीव्स कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि भाई सोफ़ा तो गार्डन में ही होता है ना, तो थोड़ी ग्रीनरी तो बनती है। तो यहाँ पे थोड़े से लीव्स को लेना है आपको, कटिंग करके इस तरीके से बेल बना लेनी है, फ्लावर लगा दो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सस्ता टिकाऊ काम किया है, आप चाहो तो थोड़ा अच्छे फ्लावर्स लेके अपने सोफ़ा स्टैंड को बना सकते हो। जितना प्यार आपको अपने फ़ोन से है, उतना ज़्यादा प्यारा आप सोफ़ा बना लो। सो इस तरीके से फ्लावर्स को ना कटिंग करके चिपकाते जाना है, और जितनी चाहे उतनी बेल बना लो, जो चाहे वो कलर यूज़ कर लो। चाहो तो इसके ऊपर ग्लिटर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं पीछे के साइड में भी एक कॉर्नर पे हल्का सा डेकोरेट कर रही हूँ, और हो गया हमारा सोफ़ा रेडी। वाह, फ़ोन के तो मज़े ही हो गए। वो भी कहेगा कि कितना अच्छा यूज़र मिला है मुझे, थैंक यू पे थैंक यू बोलेगा आपको। सो ये हमारा फोर्थ वाला हैक ना काइंड ऑफ वॉल हैंगिंग है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं पहले स्ट्रॉ से। तो स्ट्रॉ के ऊपर हम लगा रहे हैं ऐसे डबल टेप। डबल टेप लगाने के बाद आपको उसके पहले आधे वाले पार्ट जो है ना, उसमें किसी भी कलर का पेपर लगा लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ येलो लगाया है। फिर साइड में मैंने फिर से डबल टेप लगाया, और फिर से उसके ऊपर ग्लिटर पेपर लगा लिया, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। फिर आपको लेना है प्रिंटेड पेपर, और उस पर फेविकोल लगा के आपके स्ट्रॉ को इस तरीके से कवर कर देना है। फिर मैंने पर्पल कलर का ग्लिटर शीट लिया है, और उस पर इसको पेस्ट कर दिया। देन मैं पेपर के पीछे डबल टेप लगा के इसको पेस्ट कर दूंगी। आप चाहो तो आपका सिलेबस या कुछ भी जो चीज़ें नोट करनी है ना, आप इस पर नोट करके लिख करके टांग सकते हो अपने घर। तो बिल्कुल राजाओं वाला हैक हो गया, तो आप किसी राजा महाराजा से कम थोड़े हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू।